तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से वीक पॉइंट है जो आपको रोड फाइट में उसी को टारगेट करना चाहिए हिट करने के लिए। अगर आप ये वीक पॉइंट सीख जाओगे तो बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत इंसान को गिरा डालोगे। देखिए सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगा सर से लेकर के पैर तक का हिस्सा कि कहां पे सबसे ज्यादा चोट बैठेगी अगले को। 9161177079 इस नंबर ऊपर आपको व्हाट्सएप कर देना है। केवल 500 मंथली फीस पे करके आप यहां से ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स कर पाएंगे। सर्टिफिकेट बाय इंडियन पोस्ट आप पे घर पहुंचेगा और इसके बाद आप अपना क्लब भी ओपन कर सकते हैं। क्लब लाइसेंस भी आपको मेरे थ्रू मिलेगा। आप जहां मर्जी वहां पे क्लब खोल सकते हैं और इस फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा वो इंजर्ड होगा। तो सबसे पहली थ्योरी हमारी क्या होती है, इसमें मेन अटैक हो जाएगा गर्दन पकड़ना या कॉलर पकड़ना या बाल पकड़ना। ठीक है, तीनों के अटैक में सपोज कर लीजिए बंदे ने मेरा कॉलर या गर्दन पकड़ रखा है, कॉलर पकड़ रखा है, ठीक सपोज, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हाथ को पकड़ना है तेजी से ताकि वो और कोई मूवमेंट ना कर पाए, हमें पटक ना पाए। तो हाथों को अपना काबू बना करके ना, अपना कब्जा बना करके, ठीक है। यहाँ से हम अपने एंकल का यूज करेंगे इसके ब्रेन के ऊपर। कहाँ पे, इसके ये ब्रेन के ऊपर, ये ब्रेन के ऊपर पहला अटैक हमारा जाएगा यहाँ पे आंखों के बगल वाले हिस्से पे, ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट अटैक जाएगा। उसके बाद में जो अटैक हमारा होगा वो होगा सीधे नोज के ऊपर। देखिए गर्दन पकड़ रखा बंदे ने, गर्दन पकड़ रखा बंदे ने, हमारा अटैक होगा सीधे नोज के ऊपर, यहाँ पे सीधे नोज के ऊपर। तुरंत बंदा छोड़ देगा, हाथ हटाइए और हाथ के नीचे हाथ लगा के इसको उठा दीजिए। बहुत प्यारी टेक्निक है, तुरंत वो फंस जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आते हैं, देखिए पकड़ा बंदे ने गर्दन, चाप लीजिए और सीधे उसके गर्दन में अटैक कर लीजिए। यहाँ से सीधे इसके यहाँ से गर्दन में अटैक करना है। गर्दन में अटैक करेंगे तुरंत ये छोड़ करके हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा मेन, उसके बाद जो मेन हिस्सा आएगा वो आएगा चेस्ट का। चेस्ट के निचले हिस्से मारना, मानिए चलिए ये चेस्ट है, चेस्ट का ये राउंड बना हुआ है दोनों तरफ, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे मारना है, ये जो गड्ढा टाइप का है यहाँ से 1 इंच नीचे मारना है, पूरा कलेजा हिल जाएगा इसका। देखिए ये है पकड़ा बंदे ने गर्दन, यहाँ से सीधे खींच करके यहाँ पे पंच मारिए। अगर आप पंच चेस्ट में मारेंगे 1 इंच नीचे मारने की कोशिश कीजिए, ठीक है, यहाँ लगेगा तुरंत बंदा दिक्कत में आ जाएगा, तुरंत गिर पड़ेगा, आंखों सामने तुरंत अंधेरा छा जाएगा उसके। उसके बाद आएगा रिप्स, यहाँ की पसलियाँ नीचे वाली। अब कैसे पहचानोगे कि वही पसली है, यहाँ भी पसलियाँ हैं, यहाँ भी पसलियाँ हैं, ये तो लाइन से पसलियाँ हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चोट कहाँ बैठेगी, नीचे वाले पसलियों पे। वो हम पहचानते हैं एल्बो से। यहाँ से अगर हम खींच करके इस पसलियों के ऊपर अटैक करते हैं तो काफ़ी अंदर तक जाएगा पंच और उसे बहुत बुरा चोट बैठेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर गर्दन या कॉलर पकड़ जाती है तो आप सीधे इसके रिप्स के ऊपर अटैक कीजिए यहाँ से, ये इससे उसकी डेथ नहीं होगी, गिर पड़ेगा, चोट खाएगा, बहुत बुरी चोट खाएगा वो। तो सीधा अटैक कहाँ जाएगा, रिप्स के ऊपर। रिप्स के बाद एक हिस्सा और होता है जो कि दोस्तों काफ़ी नाजुक बताया जाता है। वो हिस्सा कौन सा होता है, वो पेट का हिस्सा है, वो होता है नाभि के 1 इंच ऊपर, जो हमारा ये नाभि है इससे 1 इंच ऊपर। अगर यहाँ बीचों बीच अटैक करते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल अटैक होता है। आज आप हिट करोगे कईयों दिन तक इसे दर्द होता रहेगा, बहुत बुरा अटैक है ये। तो हमारा सीधा पंच खींच करके यहाँ से यहाँ पे भी मारना, ये बहुत सॉलिड अटैक होगा, यहाँ से सीधा खींच करके हिट करना है, ठीक। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है पेट के अंदर। पेट में आप यहाँ नीचे मारो या कुछ नहीं होगा, वहाँ एप्स निकल आते हैं, बट आपने देखा हो बीच में कभी भी गड्ढा हो जाता है, एप्स नहीं निकलते, साइड साइड ही निकलते हैं इस तरीके से। वो हिस्सा मजबूत है बट बीच वाला नाभि के 1 इंच ऊपर वाला हिस्सा वो कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पर चोट बहुत बुरी बैठेगी। उसके बाद आएगा थाई का हिस्सा। अगर थाई पे आप अपने बोन का यूज करते हुए जहाँ से मार देते हो तो ये टूट सकता है। अगर थाई की हड्डी सीधा खड़ा बंदा इस तरीके से खड़ा है, या फिर लड़ाई कर लिया, धक्का दे दिया या कुछ ऐसा है, और आप चाह रहे हो कि इसे मैं ऐसी छोड़ दे दूँ या पड़े एक ही बार में ये ध्वस्त हो जाए, तो आप सीधा उठाइए इस हड्डी से खींच करके इसके थाई के ऊपर अटैक कीजिए। सीधा सिंक बोन मारना है। सिंक बोन आपको पता होगा किसे कहते हैं, सिंक बोन कहते हैं इस खड़ी हड्डी को। सिंक बोन मारना है, वो यहाँ से इस तरीके से पड़ेगा और सीधे इसका थाई होगा वो डैमेज हो जाएगा, टूट सकता है इससे और वो बंदा नीचे गिर जाएगा। उसके बाद अगर आमने सामने पैर रख रखा है ऐसे, आगे पीछे पैर करो, देखिए आगे पीछे अगर इस बंदे पैर है तो यहाँ से आप अटैक कर सकते हैं इसके घुटने के ऊपर, यहाँ से घुटने के ऊपर अटैक कर सकते हैं।
घुटने पे अटैक करेंगे, पीछे जाएगा घुटना और वो पीछे की तरफ गिर पड़ेगा। ये देखिए, ये है, अगर मैं इसे घुटने पर प्रेशर डालता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिर पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर माने चलिए आप ऐसे खड़ा बंदा और आप उससे भिड़ने जा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, सीधे पैर खींच के उसे घुटने में मार दीजिए, तुरंत बंदा गिर पड़ेगा। दिमाग लगा के आपको रोड फाइट करना है, तभी आप जीत सकते हो रोड फाइट के लिए। तो सबसे पहला हमारा अटैक क्या है, हमारा अटैक है सबसे पहला ब्रेन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नोज, उसके बाद नेक, चाप खींच के नेक पे मारना है, उसके बाद क्या है चेस्ट बीचों बीच, फिर साइड रिब, फिर नोस्ट्रिल, उसके बाद में थाई, फिर घुटना। ये हमारे वीक पॉइंट अटैक हैं, जहाँ पे अटैक करने से आप आसानी से कोई सा भी रोड फाइट जीत सकते हो और कितने भी ताकतवर बंदे के ऊपर आप भारी पड़ जाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, और अगर आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, 9161177079, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। केवल 500 मंथली फीस पे करके आप यहां से ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स कर पाएंगे, सर्टिफिकेट बाई इंडियन पोस्ट आप घर पहुंचेगा, और इसके बाद आप अपना क्लब भी ओपन कर सकते हैं, क्लब लाइसेंस भी आपको मेरे थ्रू मिलेगा, आप जहां मर्जी वहां पे क्लब खोल सकते हैं और इस फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, जय हिंद।